अजमेर ख्वाजा दरगाह है जो आपको सभी को पता है, और ये एक महादेव का मंदिर था पूर्व में। ये क्रिमिनल है, इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई। हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, अगर हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं। कोई भी आता है आके बयान दे जाता है। आज उन्हीं के तो ये दिन दिखाए हुए जो चापलूसी और चाटुकारिता करते रहे हैं ये लोग। इस संपूर्ण भारत में प्राचीन जो स्थान है उन स्थानों का जांच करवाए, क्योंकि जैन मंदिर और महादेव का मंदिर तोड़ के उसको स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। पुराने लोग हैं वो जानते भी हैं कि बहुत समय तक एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ पूजा भी करती रही। मैंने खुद ने जयपुर नगर में अनगिनत मंदिर और बगीचे और बावड़ियाँ निकाली है जिन पर कब्जे करके हरा रंग पोत के और उन पर कुछ कुछ बना दिया है, और कोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हम चाहते हैं कि वहाँ सर्वे हो, सर्वे होने में दिक्कत क्या है। इसी प्रकार से अनगिनत देव स्थानों को खंडित करके और उन पर इस प्रकार के भवन बनाए गए हैं कि मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा साहब आए थे, उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में थे। सब लोग जानते हैं कितने बड़े मंदिर हमारे तोड़े, लूट खटोत की, हमारे बहन बेटियों को यहाँ से खाड़ी देश ले जाया गया। क्या वाकई अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव का मंदिर छिपा है? क्या सच में बुलंद दरवाजा मंदिर के मलबे से बना हुआ है? इन सवालों और हैरान करने वाले दावों ने अजमेर के शांत माहौल को हिला कर रख दिया है। अजमेर ख्वाजा दरगाह है जो आपको सभी को पता है, और ये एक महादेव का मंदिर था पूर्व में, जो कि ये ख्वाजा जो हैं जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी सबको पता है, ये उनके सलाहकार थे। उसके बाद यहाँ पे जब उनकी मौत हो गई उसके बाद इसको वहाँ पे कब्र बना के उनकी दरगाह बना दी गई, और हमने सारे साक्ष्य और सबूत हमने कोर्ट में पेश किए हैं। यहाँ म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में और सिविल जज भी रहे, उनकी बुक का हमने हवाला दिया है। उन्होंने डीपली अपने बुक में लिखा है कि उसको फर्स्ट नज़र में, पहली नज़र में भी देखा जा सकता है कि वो महादेव का मंदिर है, और उसमें मंदिर के अवशेषों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो गुम्बद है जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जा रहा है, बुलंद दरवाजा में और जो छतरी है उसकी, उसको प्रिमा फेसी आप देखोगे तो खुद पता चल जाएगा कि वो मंदिर का ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि जैन मंदिर और महादेव का मंदिर तोड़ के उसको स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। और जो नीचे जहाँ कब्र बनी हुई है ख्वाजा की, वहाँ पर गर्भगृह है भगवान का, और वहाँ शिवलिंग था। और आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं वो जानते भी हैं कि बहुत समय तक एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ पूजा भी करती रही, तो लोकल जो अजमेर वासी हैं वो जानते भी हैं। आपको बता दें कि अजमेर की स्थानीय अदालत में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़ा एक वाद दायर हुआ है जिसकी सुनवाई कुछ ही दिनों के बाद यानी 10 अक्टूबर को होगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस याचिका में दावा किया जा रहा है कि दरगाह परिसर कभी एक वक्त में संकट मोचन महादेव का मंदिर हुआ करता था, और इसीलिए इस याचिका के जरिए मांग की जा रही है कि पहले तो पूरी दरगाह का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से सर्वे करवाया जाए, फिर परिसर में हुए अतिक्रमण को हटाया जाए, और आखिर में इसे मंदिर घोषित करके पूजा करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश वो लोग कुछ भी करें, वो लोग कहते रहेंगे उनका काम है, हमारा काम, हम कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं, माहौल बिगाड़ना हमारा काम नहीं है। हमें कोर्ट जाने का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और वो हमने ऐसे साक्ष्य पेश किए हैं उसको कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता, और हम चाहते हैं कि वहाँ सर्वे हो, सर्वे होने में दिक्कत क्या है। मेरा संपूर्ण राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से स्वयं का निवेदन है, अपील है कि संपूर्ण भारत में प्राचीन जो स्थान है उन स्थानों का जांच करवाए, और खाली हम सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करें कि अयोध्या राम मंदिर की बात करें कि कुतुब मीनार की बात करें कि लाल किले की बात करें, अनगिनत 100, 200, 500 की बात करें, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने जयपुर नगर में अनगिनत मंदिर और बगीचे और बावड़ियाँ निकाली है जिन पर कब्जे करके हरा रंग पोत के और उन पर कुछ कुछ बना दिया है। पहले बात तो कुरान में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि इस प्रकार के अतिक्रमण करना और इस प्रकार के भवन बनाना।
उसके बाद भी कौन जिहादी लोग हैं जो भूमि जिहाद का काम कर रहे हैं, अतिक्रमण का काम कर रहे हैं, भले वो आपके वक्फ बोर्ड के माध्यम से हों या मुस्लिम बोर्ड के माध्यम से हों। इसी प्रकार से अनगिनत देवस्थानों को खंडित करके और उन पर इस प्रकार के भवन बनाए गए हैं जिनको सबको जांच कराने की आवश्यकता है। जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ वैसे ही यहाँ की भी जांच होनी चाहिए कि अजमेर में जो जो बनी है दरगाह जिसका हवाला दिया जाता है वहां भी जांच कराएं कि प्राचीन कोई संकट मोचन मंदिर है, कोई शिव मंदिर है, उसके भीतर भी कोई ना कोई देवस्थान अंदर भीतर में छुपा है, ये सुनते आ रहे हैं बहुत समय से। तो यानी ये इतनी बात इतने पूर्वजों से चल रही है, इसका मतलब कुछ तो है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन जांच होना चाहिए। किसी ने मांग की है तो उसकी मांग का मांग करना उसका अधिकार है न्यायालय में, न्यायालय से उम्मीद है। न्यायालय पर अब तक राम मंदिर का फैसला आया, न्यायालय पर काशी विश्वनाथ का आया, तो इस पर भी हमें पूर्णतः उम्मीद है कि हम लोग मांग करेंगे, कोई जांच होगी तो कोई देवी देवता अंदर भीतर में विराजमान, उनके दर्शन हमें होंगे। बहरहाल विष्णु गुप्ता ने अदालत में अपने वकील शशि रंजन कुमार सिंह के जरिए याचिका दायर की है और दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय और साथ ही ASI को प्रतिवादी बनाया है। हमने यह अजमेर दरगाह से रिलेटेड केस फाइल किया है जो प्लेंटिव है विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनकी ये मांग है कि ये अजमेर जो दरगाह है वास्तव में शिव मंदिर है और डिक्लेयर किया जाए। इंजंक्शन का भी है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार मिले, इसलिए हमने ये दावा फाइल किया है अजमेर न्यायालय में। ये दावा हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न में फाइल किया था। अजमेर में डिवीज़न अलग है, ज्यूरिडिक्शन अलग वे में होता है, तो जिस कोर्ट में गया उस कोर्ट को एक्चुअली ज्यूरिडिक्शन नहीं था ये सुनने का। तो अब हमारे पास रेमेडी है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये उस कोर्ट में केस ट्रांसफर किया जाए जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है। याचिका में साल 1911 में हरविलास शारदा की एक किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण मंदिर के मलबे को काम में लेकर किया गया है। ये दावा दरगाह की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रहा है। देखिए जो विष्णु गुप्ता है, आज ये हिंदू की स्टोरी है फरवरी 20, 2016 की, कि 2011 तक इस पे 9 केसेस लग चुके थे, तो ये तो क्रिमिनल है। पहली बात, ये दावा का आधार क्या है? यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे चादर भिजवाते रहे, दरगाह खाजा साहब एक्ट में दरगाह आती है, तमाम ये वो जगह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं। ये पिछले 10 साल से इस किस्म का माहौल चला हुआ है, इट्स नथिंग न्यू। पहले ये आए हिंदू वीर सेना, फिर हिंदू सेना, महाराणा प्रताप सेना, सिमरन गुप्ता, नुपुरजे शर्मा, अमीश देवगन, तो ये तो आए दिन के इस किस्म के बयान दे रहे हैं। कभी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं, कभी गवर्नमेंट को लिखते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ हुआ है, एक नैरेटिव डेवलप हुआ हुआ है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, UPSC जिहाद, फिर ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ जाते हैं, आए दिन मुसलमानों को तंग करने का लगा रखा है। लेकिन हम ये कोई मजाक ना समझे इसको, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के करोड़ों नहीं अरबों अनुयायी हैं और उसके अंदर जो है हर धर्म जाति के लोग हैं, और इस महाद्वीप का, इस बरसगीर का, इस सब कॉन्टिनेंट का सब में बड़ा मुसलमानों का इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। ये कोई इसको चूहे बिल्ली का खेल ना समझें। और फिर एक हद होती है इस चीज़ की, अगर हम पीसफुल को एक्सिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम बुजदिल हैं, डरपोक हैं, जब जबान उठाई तालू से लगा दोगे आप, एंड वी आर गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस फॉर एवर। यह एवरी डे इज नॉट संडे। सभी की नजरें अब टिकी है 10 अक्टूबर की तारीख को, जब कोर्ट में इस विवादित मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है। फिलहाल की अपडेट में तो इतना ही है, लेकिन धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादित विषयों पर आपकी क्या राय है, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।